आम लोगों को झांसा देकर एटीएम बदलकर रुपये निकालने वाले अंतरजनपदीय शातिर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान खोराबार थाना क्षेत्र निवासी गिरजा निषाद पुत्र मुन्ना निषाद, सोनू मौर्य पुत्र मुरलीधर मौर्य, थाना पिपराइच निवासी अर्जुन निषाद उर्फ श्री राम उर्फ भोलू पुत्र विद्यासागर शाहपुर थाना क्षेत्र के कार्तिक कुमार उर्फ साहिल पुत्र भगवान प्रसाद के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 2,30,000 रुपये नगद, 6 मोबाइल, 11 एटीएम कार्ड, 315 बोर का तमंचा, 1 मिस फायर कारतूस तथा चोरी की 4 बाइक बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए चारों अभियुक्त एटीएम में भोले भाले लोगों को झांसा देकर एटीएम बदलकर रुपये निकाल लेते थे। अक्सर ये लोग उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जिनको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते थे। इसी के साथ ही ये लोग विभिन्न बैंकों का फर्जी एटीएम लेकर चलते थे तथा मौका पाते ही एटीएम बदल देते थे और एक कोड का पता करके सारे रुपये निकाल लेते थे। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। इंस्पेक्टर खोराबार के नेतृत्व में खोराबार की टीम ने, जिसमें मार्गदर्शन एसपी क्राइम साहब का था और नेतृत्व प्रदान किया था सीओ कैंट ने, कुल 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। ये 4 अपराधी एटीएम मशीन से एटीएम की हेराफेरी करके पैसे निकालते हैं और लोगों को झांसा देके उनका एटीएम एक्सचेंज भी करते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जनपद में एटीएम से पैसे निकालने की जालसाजी की लगभग 7-8 घटनाओं का खुलासा हुआ है। पूछताछ से आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इन लोगों ने आसपास के जनपदों में कई जगह इस तरह घटनाएं किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद 4 मोटरसाइकिलें जिससे घटना खरीद करते थे, लगभग 2,30,000 रुपये, 11 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल कार्ड बरामद हुए। सर गिरोह भी है? हाँ, इनका गिरोह है। इनका जो गैंग का लीडर है कार्तिक उर्फ साहिल, यह पहले भी इस घटना में जेल जा चुका है और इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। ये रहने वाला मूलतः बिहार का है और यहाँ पे किराए का कमरा लेके शाहपुर क्षेत्र में रहता है और मूलतः धंधा इसका जालसाजी करना और एटीएम की हेराफेरी करना है। इसकी आड़ में ये वीडियो रिकॉर्डिंग का काम भी करता है शादी विवाह के दिनों में। बाकी इसको जिसके 3 साथी हैं जो मछली पालन से लेके शटरिंग का काम भी करते हैं और कुछ गाड़ी चलाने का काम करते हैं, लेकिन ये बदल ये एटीएम मशीन पर जाएंगे और जैसे कोई आदमी थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो वो हेल्प किया, इनसे मदद की आवश्यकता की अपेक्षा करता है, ये स्मार्ट टाइप के लोग हैं, अच्छे कपड़े में जाएंगे वहाँ पे मदद के लिए, उनसे एटीएम कार्ड का पासवर्ड पूछ के उनसे पैसे निकालेंगे। पैसे निकालने के बाद ये झांसा देते हैं कि आपका बैलेंस इंक्वायरी हम चेक कर देते हैं। बैलेंस चेक करने के नाम पर या एटीएम मशीन में विड्रॉल के लिए ऑप्शन क्लिक कर देंगे, पैसा निकाल लेंगे और उस आदमी से कहेंगे कि जो हमने बैलेंस इंक्वायरी चेक किया है इसकी रसीद नहीं निकल पा रही है, मशीन ख़राब है, बैलेंस नहीं चेक होगा। दूसरी इनकी मॉडल सपना ये है कि अगर इन्होंने एसबीआई का कोई, जैसे एसबीआई का एटीएम कार्ड है या किसी बैंक का है, इनके पास उसी तरह के एटीएम कार्ड उसी बैंक के होते हैं और उसको एक्सचेंज कर लेते हैं और जब ये मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उनसे उसका पासवर्ड जान लेते हैं। इसके बाद आदमी बड़े आराम से उस एटीएम कार्ड को अपनी जेब में रख लेता है, वो समझता है कि मेरा अपना वाला एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड उसके पास जो होता है वो दूसरे खाताधारक का होता है और इसके बाद ये आराम से फिर पैसे निकालते रहते हैं। जब अगले आदमी को जानकारी होती है एटीएम ब्लॉक कराता है तब तक वो इसका खाता लगभग खाली हो चुका होता है। इन लोगों ने दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है, दर्जनों घटनाओं को आसपास के कई जिलों में घटनाओं का बुला है, कुशीनगर में, देवरिया में, संतकबीर नगर में, बस्ती में घूम घूम के क्राइम करते हैं ये। इनका यह कहना है कि ज़्यादा हम देहात के क्षेत्र में जो एटीएम मशीनें स्थापित हैं वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर लेते हैं, वहाँ ऐसे लोग ज़्यादा हमें मिल जाते हैं चीट करने के लिए जो हमसे मदद की अपेक्षा करते हैं और उनका हम एटीएम कार्ड से पैसे निकाल के पासवर्ड जान के एटीएम को एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ पैसे बरामद हुए? 2,30,000 रुपये बरामद हुए और इनसे लगभग जनपद की 6-7 घटनाओं का खुलासा हुआ।